एक बार फिर आपको आगाह करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी रेसलिंग टीम शानदार कारकर्दगी के बाद वतन वापस पहुंच गई। मजीद बात करेंगे एक बार फिर, ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आप मनाजिर देख रहे हैं इनाम बट जो कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साल में अगर आप कैलेंडर उठा के देखिए, आप तादाद देखे तो पिछले 4 साल में तकरीबन नेशनल मेडल जीते। तो रेसलिंग और जो वेट लिफ्टिंग है, ये दो ऐसे खेल हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस टाइम पॉपुलर है। रेसलिंग नंबर 1 और जो वेट लिफ्टिंग है वो नंबर 2 जा रही है। तो अगर हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करे और हमें हमारा बजट अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। आगे एशियन गेम्स आ रही है और ओलंपिक्स है, क्या डिमांड करोगे आप हुकूमत से? देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ये मेरा रेसलिंग में 2रा गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा मैंने बीच रेसलिंग में भी मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। तो मैं पाकिस्तान से अपील करूंगा और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, जितने भी जो प्रोडक्टर हैं, जितने भी ये जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी ये अरबाब इख्तियार हैं, मैं इन सबको मैं कहूंगा कि आपको खुद अब मैदान में आना चाहिए। वक्त है कि हमें अब थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए। मुझे पाकिस्तान पीओ की तरफ से मुझे मसूल उनकी मुबारकबाद मसूल हुई है। मैं सबसे बताता चलूं कि जब जैसे ही मैंने गोल मिला तो मेरे लिए जो बातों का खाता बन गया, चीफ ऑफ स्टाफ हो या इमरान खान हो या शाहिद अफरीदी हो या शहबाज शरीफ साहब हो, सबसे मुझे मुबारकबाद हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा इन सब का मशकूर और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेसलिंग के और जिस तरह के हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान में रेसलिंग की एक नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि गुजरा वाला जगह दी थी, अगर थोड़ी सी उस पर एफर्ट जाए तो वो उसको एक अकेले का दर्जा दिया जाए तो पाकिस्तान और जिस तरह के हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान में रेसलिंग की एक प्रॉपर एकेडमी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि पूछना वाला में जो मुझे आमिर जान साहब ने जगह दी थी, अगर थोड़ी सी उस पर एफर्ट की जाए तो वो उसको एक एकेडमी का दर्जा दिया जाए तो पाकिस्तान और मेडल जीत सकता है।